जय हिंद दोस्तों, दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कला का षडांग से संबंधित ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस DSSB नेट JRF, कला से संबंधित सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ताल मान से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिमा विज्ञान। ताल मान जो है ये प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। ताल या मान इकाई एक सिर है, जबकि एक ताल में 12 अंगुल होता है। एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? 12 अंगुल। इसको याद कर लीजिए, कभी कभी ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो कितने भाव? 49 भाव उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, 49 भावों को बताया है। भरत ने डुहिट द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 अस्थाई, 33 संचारी एवं 8 सात्विक भावों का निरूपण किया है। इन्होंने अन्य भावों के साथ स्थाई भाव का संबंध राजा व उसके सहचरों जैसा माना है। तो आप याद रखिए, 8 अस्थाई भाव, 33 संचारी भाव एवं 8 सात्विक भाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या व टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो यशोधर पंडित ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान जो हैं पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र की प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के कितने अंग बताए थे? 6 अंग इन्होंने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 50, षडंग का पहला अंग है। तो षडंग का पहला अंग जो है रूप भेद है। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं से 12वीं शताब्दी वाला यह श्लोक है। तो रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया? तो रंग के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों का तूलिका का प्रयोग। किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सभी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंग की विभिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता, बल्कि उनका अंतर भी अव्यक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52, षडंग किससे संबंधित है? तो षडंग जो है ये चित्रकला से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। षडंग का संबंध किससे है? चित्रकला से। वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख 6 अंग बताया। आलेख के रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। क्वेश्चन नंबर 53, लावण योजना का क्या अर्थ है? लावण योजना का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट वाह सौंदर्य का व्यंजक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्रकला के 6 अंग, मूल तत्व रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना सादृश्य वर्णिका भंग बताए गए, जिसमें लावण योजना से तात्पर्य है कि चित्र का बाहरी योजना ऐसा होना चाहिए जो दर्शक के मन को अपने ओर आकर्षित करे तथा चित्र के विषय वस्तु को भी स्पष्ट करे। क्वेश्चन नंबर 54,
भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं। तो भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान पुरोहित यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए। क्वेश्चन नंबर 54, षडंग के अंतर्गत क्या है? षडंग के अंतर्गत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, सादृश्य। कामसूत्र की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग षडंग बताए, जिसमें रूप भेद प्रमाण, भाव लावण योजना, सादृश्य, वणिका भंग। इसमें सादृश्य से तात्पर्य है देखे हुए रूपों की समान आकृति। क्वेश्चन नंबर 56, षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है तो ये किससे होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ललित कला। वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की टीका यशोधर पंडित ने षडंग नाम से प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की जो ललित कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को क्या देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर डी। भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति और शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं। इसे भाव भंगिमा कहा जाता है। चित्रकार इसी भाव भंगिमा को विभिन्न उपायों द्वारा अंकित करता है, जिसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ये ताल एक सिर है, तो यहां पर राइट आंसर डी हो जाएगा। संयोजन के सिद्धांत में प्रमाण अनुपात को प्रकट करता है। विभिन्न आकृतियों का सही सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 प्रकार के रूप, मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक बताए हैं। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई जो है एक सिर होता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम, रूप भेद प्रमाण, भाव लावण योजना। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामों में। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना है। कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला नाम से यशोधर पंडित ने आलेख चित्रकला के 6 अंग इन्होंने बताए थे। तो कौन कौन से 6 अंग? रूप भेद प्रमाण, भाव लावण योजना, सादृश्य, वणिका भंग। षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख जयमंगला में किया गया। रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन रूप भेद के अंतर्गत किया जाता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। वाह सौंदर्य का व्यंजक लावण योजना है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वणिका भंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो रूप भेद, तो यहाँ पे रूप की विविधता। प्रमाण, प्रमाण जो है ये अनुपात से संबंधित है। सादृश्य, समानता। वणिका भंग जो है विविध रंग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, दूसरा, पहला, चौथा, उसके बाद तीसरा। रूप भेद, रूप की विविधता, प्रमाण, अनुपात, सादृश्य, समानता, वणिका भंग, विविध रंग। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? अनुपात, तो ये प्रमाण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात प्रमाण द्वारा स्थिर किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कला में प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। एक ताल बराबर 12 अंगुल होता है।
चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर पांच प्रकार के रूपों का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। पांच प्रकार के रूप कौन? पहला मानव, ये 10 ताल, जैसे पांडव, राम, कृष्ण, शिव आदि, और कुमार ये 8 ताल का होता है, जैसे वामन। बाल जो है ये 5 ताल के होते हैं, जैसे बाल गोपाल। भयानक ये 12 ताल के होते हैं, जैसे भैरव और वराह। राक्षस ये 16 ताल के होते हैं, जैसे कंस और रावण। तो ये कुछ प्रमाण उनके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? यहाँ पे लास्ट में दिया है क्या संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, लिपि ये संबंधित नहीं है। यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं से 12वीं शताब्दी वाला यह श्लोक है। रूप भेद प्रमाणानि भावलावड योजनम सदृशम वर्णिका भंग इति चित्र षडंग। इसमें चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, जो निम्न है, जैसे रूप भेद, दृष्टि का ज्ञान, प्रमाण का मतलब ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, भाव, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, लावड़ योजना का क्या अर्थ है, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश, सादृश्य, देखे हुए चित्रों के समान आकृति, वाड़िका भंग, रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। तो ये भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप की पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो वस्तु जैसी दिख रही वैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो रंग विधान जो है ये वर्णिका भंग का विधान है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। भारतीय चित्रकला के मुख्य 6 अंगों की व्याख्या यशोधर पंडित ने अपने ग्रंथ जयमंगला में की, जिसमें चित्र में रंग भरने के सामंजस्य को वर्णिका भंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, लावड़ योजना किसे कहते हैं? तो लावड़ योजना जो है ये वाह्य सौंदर्य व्यंजक को कहते हैं, राइट आंसर सी, लावड़ योजना कहते हैं। रूप परिमिति को रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावड़ होना भी आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को परिमित देता है, उत्कर्षता प्रदान करता है, जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है, लावड़ वाह्य सौंदर्य का बोधक है, लावड़ वाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।